सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में बाल मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, क्लास प्रारंभ हो चुकी है, जल्दी जल्दी सभी साथी लाइव आ जाइए। यह क्लास आपकी आगामी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप स्वयं जुड़िए और सभी साथियों को वीडियो को शेयर करिएगा। क्लास को प्रारंभ करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में बुद्धि परीक्षण के लिए कौन सा डिपार्टमेंट खोला गया है, कौन सा विभाग खोला गया है। या फ्रेंड बात करें एनसीईआरटी, जी हाँ, एनसीईआरटी द्वारा बुद्धि परीक्षण के लिए कौन सा डिपार्टमेंट खोला गया है। श्रम एवं रोजगार विभाग, मनोविज्ञान विभाग, राष्ट्रीय भौतिक विभाग के उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब, फटाफट बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। राष्ट्रीय शैक्षिक एवं प्रशिक्षण परिषद में बुद्धि शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला गया है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, फटाफट। पहले जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं उन सभी साथियों का मैं क्लास में स्वागत करता हूं, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। जल्दी जल्दी सभी साथी लाइव आ जाइए, क्लास आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर कमेंट करिए। चलिए विकल्प नंबर बी 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 बी, बहुत बढ़िया, सभी साथियों के लगभग लगभग बी आंसर आ चुके हैं। जी हाँ, मनोविज्ञान विभाग, बिल्कुल विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी इज द राइट आंसर, मनोविज्ञान विभाग इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह है, जी हाँ फ्रेंड, शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह है, प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह, प्रभुत्व शिक्षण आव्यूह, उपयोग दोनों या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ फ्रेंड, पूछा जा रहा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण आव्यूह कैसा है, मतलब आव्यूह का मतलब फ्रेंड एक रचना होता है, एक जाल होता है, कैसा होता है। जल्दी से आंसर कमेंट कर बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह, प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह, या उपयोग दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए बी 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 बी, बहुत बढ़िया फ्रेंड, विकल्प नंबर बी वाले सभी साथियों के जवाब सही है फ्रेंड, कि जो शिक्षक का आव्यूह होता है फ्रेंड वह प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह होता है, वहीं छात्र का जो होता है फ्रेंड वह प्रजातांत्रिक होता है, इसलिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षक की बात कर रहे हैं तो शिक्षक का फ्रेंड प्रभुत्ववादी होता है और छात्र का प्रजातांत्रिक होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी वाले जितने भी साथी हैं सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। व्याख्यान के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक, चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सही कर लेते हैं, यह कह रहे हैं कि व्याख्यान के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक तैयार किए गए टिप्पणी में से पढ़ाता है, टिप्पणी तैयार करके आता है और उन्हें मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग करता है, तत्कालिता व्याख्यान प्रस्तुत करता है, दूसरे क्षेत्रों में उदाहरण देने पर तत्कालीन व्याख्या प्रस्तुत करता है। फटाफट आंसर कमेंट कर बताएं फ्रेंड कि व्याख्यान के दौरान संप्रेषण श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक तैयार किए गए टिप्पणी में से पढ़ाता है, यदि टिप्पणी तैयार करके आता है और उन्हें मार्गदर्शिका के रूप में पढ़ाता है प्रयोग करता है, या तत्कालीन व्याख्या प्रस्तुत करता है, या दूसरे क्षेत्र से उदाहरण देकर तत्कालीन व्याख्या प्रस्तुत करता है। फटाफट बताएं फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, व्याख्यान के दौरान जो शिक्षक बातचीत करता है उसमें श्रेष्ठ होगा यदि शिक्षक क्या करे। चलिए डी और बी को सभी जाति कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं जवाब के रूप में। जी हाँ, तो देखते हैं, बी कह रहा है कि टिप्पणी नोट तैयार करके आता है उन्हें मार्गदर्शक के रूप में, देखिए ये काम नहीं करेंगे क्योंकि संप्रेषण के मतलब क्या होता है, बातचीत होता है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है फ्रेंड, ये अपने विचारों को छात्रों तक पहुंचाना और छात्रों के विचारों को ग्रहण करना, तो मतलब कह सकते हैं कम्युनिकेशन आप जानते हैं ना, बस उसी प्रकार की व्यवस्था इसमें होती है। तो डी को हम प्रेफर करेंगे कि दूसरे क्षेत्र से उदाहरण देते हुए तत्कालीन व्याख्यान प्रस्तुत करें, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि आप एग्जाम्पल यहाँ प्रस्तुत करते हैं, कोई व्याख्या कोई नोट्स आप यहाँ नहीं तैयार करते, तत्कालीन किसी दूसरे क्षेत्र से व्याख्या आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तुलनात्मक में अधिक समय लेती है, कौन सी विधि तुलनात्मक में अधिक समय लेती है, साक्षात्कार, निरीक्षण, जीवन वृतांत या परीक्षण। क्या फ्रेंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, कि कह रहे हैं कि कौन सी विधि द्वारा तुलना करने में या कह सकते हैं कि परीक्षण करने में ज़्यादा समय लगता है, साक्षात्कार में तो कम लगता है, निरीक्षण में भी कम लगता है, परीक्षण में भी कम लगता है,
जो लगता है फ्रेंड जीवन वृत्तांत, मतलब क्या है कि जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन कर जो अध्ययन जो शोध रखा जाता है, जो शोध लिखा जाता है, वही होता है आपका जीवन वृत्तांत। तो इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है, इसलिए विकल्प नंबर सी के साथ चलेंगे। हमारा जो जवाब है वो बिल्कुल सही है, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न हो, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र शिक्षक की संख्या समाधान करे, अध्यापक और छात्र दोनों से प्रश्न पूछे। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिनमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न हो, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, या छात्र शिक्षक से संख्या समाधान करे, अध्यापक और छात्र दोनों से प्रश्न पूछा जाए। बताइए भाई, शिक्षण की उत्तम प्रणाली क्या है? चलिए आंसर आने प्रारंभ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप सभी के जवाब सही हैं भाई, कि अध्यापक और छात्र दोनों आपस में प्रश्न पूछे। कहने का मतलब कि शिक्षक भी छात्र से पूछे और छात्र भी शिक्षक से प्रश्न पूछे, इससे क्या रहता है फ्रेंड, बैलेंस बना रहता है, तालमेल कक्षा का बना रहता है, समायोजन बना रहता है। यदि शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है और बच्चे उसका जवाब देते हैं, तो बच्चे शिक्षक से सवाल पूछते हैं और शिक्षक उसका जवाब देता है, इस तरीके से दोनों में आपसी जो तालमेल है, जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण है, बना रहता है और क्लास का जो वातावरण रहता है वह पूरी तरह से पढ़ाई के अनुरूप होता है। इसलिए विकल्प नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। काफ़ी सारे छात्रों ने विकल्प नंबर डी को कमेंट किया है, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। विकास एवं वृद्धि एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या इनमें से कोई नहीं? यह फ्रेंड बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बेहद सिंपल क्वेश्चन है। वृद्धि और जो विकास हैं वह एक दूसरे के पूरक हैं, इससे बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि विकास में ही हम वृद्धि को सम्मिलित करते हैं, क्योंकि जो शारीरिक विकास होता है वही तो वृद्धि होती है, तो इसका मतलब उसी में समाहित है ना। तो विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति के, जी हाँ फ्रेंड, किशोरावस्था में अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरता पूर्वक आरंभ करती है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? पुनः देख लीजिएगा कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, पक्के अपराधियों की विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरता पूर्वक आरंभ करती है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वैलेंटाइन का है, ब्लेयर एंड जोन्स का है, कोल एंड ब्रूस का है, स्टेनले हाल का है? फटाफट से बताएं फ्रेंड, किसका कथन है ये? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं कि यह किसका कथन है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कहा फ्रेंड कोल एंड ब्रूस ने। जी हाँ फ्रेंड, कोल एंड ब्रूस, इसका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कोल एंड ब्रूस का यह जवाब है, जबकि स्टेनले हाल ने कहा था कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, एडोलसेंस द एज ऑफ स्टॉर्म, स्ट्रेस एंड स्ट्रगल। इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, यह कोल एंड ब्रूस का कथन है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, सामाजिक एवं संज्ञात्मक, जी हाँ, सामाजिक एवं संविगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कोटेशन किसने कहा है? हाल ने, स्कीनर का है, क्रो एंड क्रो का है, और स्ट्रैंग का है? पता है फ्रेंड, सामाजिक और संविगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, इस कथन को किसने कहा है? हाल ने, मतलब स्टैनले हाल ने, स्कीनर ने, क्रो एंड क्रो ने, या स्ट्रैंग ने? बताइए फ्रेंड, फटाफट अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, किसने कहा है कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं? चलिए, विकल्प नंबर सी कमेंट ग्रुप में आ गया है 8 का, कुछ लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को भी कमेंट किया है, चलिए सी, जी हाँ, कुछ लोग डी भी कमेंट कर रहे हैं, अलग अलग साथी अलग अलग आंसर कमेंट कर रहे हैं, लगता है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन का मामला बना हुआ है। चलिए क्लियर कर देते हैं, क्रो एंड क्रो का यह कथन है फ्रेंड, इनका कहना है कि किशोरावस्था में सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, इसीलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर कर लीजिए सभी लोग अपना आंसर, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी साथियों के आंसर 100% सही होने चाहिए। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता हैं स्कीनर हैं, वर्दाइमर हैं, बिने हैं या स्पोनिच हैं, बताए फ्रेंड। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद का फ्रेंड जो अर्थ होता है पूर्ण प्रस्थितिकरण, मतलब पूर्ण प्रत्यक्षीकरण। गेस्टाल्टवाद का फ्रेंड जो अर्थ होता है, ये जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है प्रत्यक्षीकरण। जी वर्दाइमर जी इसके जनक हैं, इसके जनक हैं वर्दाइमर जी हाँ। और इसके जो प्रयोगकर्ता हैं, इसमें प्रयोगकर्ता का नाम है जिसमें जिन्होंने प्रयोग किया उनका नाम है कोहलर, और सहयोगी जो थे वो कोप्ता थे, कोप्ता इसके जो है सहयोगी थे। जनक थे आपके गेस्टाल्टवाद के जनक वर्दाइमर थे, प्रयोग जिन्होंने किया था इस सिद्धांत में उनका नाम था कोहलर, और जो इनके सहयोगी थे उनका नाम था कोप्ता। तो सारे लोगों का आप लोग नाम जानते रहिएगा, विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, सभी के बारे में जन्मदाता थे वर्दाइमर, प्रयोगकर्ता थे कोहलर, और सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने जो प्रयोग किया था, और सूझ, जी हाँ सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग, इन नामों से जाना जाता है इस सिद्धांत को। पुनः सुनिए फ्रेंड, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग, तो इस प्रकार से इस सिद्धांत को जाना जाता है। तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, परंपरागत संबद्धता, जी हाँ परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, स्कीनर ने, उसमें से कोई नहीं, बताएं फ्रेंड। पावलोव ने, अल्बर्ट बंडूरा ने, स्कीनर ने, या उसमें से कोई नहीं? परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने दिया है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत, चलिए ए ए ए, अभी तक विकल्प नंबर ए कमेंट में आ रहे हैं, जल्दी जल्दी ए ए ए, बहुत बढ़िया पावलोव जी ने किया है भैया, विकल्प नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। पावलोव, पावलोव का पूरा नाम है ई बी पावलोव, इवान पैट्रिक पावलोव, जी हाँ फ्रेंड इवान पैट्रिक पावलोव, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, जी हाँ फ्रेंड मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मेलवी का है, मैकडूअल का है, स्किनर का है, या सुरेश भटनागर का है? जी हाँ फ्रेंड बात हो रही है मूल प्रवृत्तियों की। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी रचना है फ्रेंड? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी रचना है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी रचना है? जिसकी यह रचना है वही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जिसकी रचना है वही क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ बी वाले सभी लोग सही हैं, विकल्प नंबर बी मैकडूअल इज द राइट आंसर। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार का चालक हैं, यह जो कथन है वह मैकडूअल का है, और जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने संवेगों की संख्या 14 तथा 14 मूल प्रवृत्तियां भी बताई थी। तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े फ्रेंड, गैने, जी हाँ रॉबर्ट गैने के सीखने को नियम को सामान्यतः जाना जाता है, सहचर्यता अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, या परंपरागत संबद्धता अधिगम? जी हाँ रॉबर्ट गैने जिनके सिद्धांत को अष्टपदी सोपानकी के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो दिए गए विकल्प में आप बताइए कि किस सिद्धांत के रूप में उनके सिद्धांत को सामान्य से जाना जाता है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर आने पर आरंभ हो चुके हैं, विकल्प नंबर सी। जी हाँ बहुत बढ़िया, अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत जिसका सामान्यतः श्रृंखला अधिगम के नाम से जाना जाता है, विकल्प नंबर सी वाले सभी साथी बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर। किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बनाई जाती हैं? किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं? निरोधात्मक पहलू में, संरचनात्मक पहलू में, सकारात्मक पहलू में, या उपचारात्मक पहलू में? यह फ्रेंड किस प्रकार के पहलू में मानसिक को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो है विधियां बताई जाती हैं?
निरोधात्मक पहलू, संरचनात्मक पहलू, सकारात्मक पहलू या उपचारात्मक पहलू? चलिए डी डी सी सी, चलिए डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। चलिए भैया कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, संरचनात्मक पहलू इसका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। कहने का फ्रेंड कि मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इस विधि के द्वारा क्या है कि मस्तिष्क के जो विचार है, भावनाएं हैं, जो उद्वेलनाएं हैं, उनको क्या है नियंत्रित किया जाता है और उनका उचित समय पर उचित जगह पर प्रयोग किया जाता है। इसीलिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला फ्रेंड, कौन सा आव्यूह सुकराती विधि कहा जाता है? कौन सा आव्यूह को सुकराती विधि के नाम से जाना जाता है? प्रश्नोत्तर आव्यूह, अनुमंत्रण आव्यूह, योजना आव्यूह या समीक्षा आव्यूह? बताए फ्रेंड। चलिए ए ए ए आंसर आने पर आ चुके हैं जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्नोत्तर आव्यूह सुकरात, अनुमंत्रण आव्यूह जो है वह आर्मस्ट्रांग का है, आर्मस्ट्रांग का, और योजना जो आव्यूह है फ्रेंड यह आपके किलपैट्रिक का है। तो सबका जानते रहिएगा, प्रश्नोत्तर आव्यूह सुकरात का है, विकल्प नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है, अन्वेषण आर्मस्ट्रांग का है, ह्यूरिस्टिक मेथड इसी कहते हैं, और योजना जो है वो किलपैट्रिक का है। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन आप जानते रहिएगा, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, रॉबर्ट गैने के अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बताई गई हैं? जी हाँ फ्रेंड, रॉबर्ट गैने के अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बताई गई हैं? 5, 6, 7, 8 या 6? जी हाँ, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि रॉबर्ट गैने के थियोरी को अष्टपदी सोपानक्रम का सिद्धांत कहते हैं। अष्टपदी का मतलब फ्रेंड इन्होंने अपने अधिगम के सिद्धांत में 8 परिस्थितियाँ बताई हैं। जी हाँ, 8 इसका बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर। अष्टपदी सोपानकी के नाम इसीलिए इसका पड़ा क्योंकि इसमें 8 परिस्थितियाँ बताई गई हैं। तो विकल्प नंबर सी वाला जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए फ्रेंड, सकमैन, जी हाँ सकमैन परीक्षा मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? कह रहा है फ्रेंड सकमैन परीक्षा मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि सकमैन परीक्षा मॉडल फ्रेंड जो है वह है आगमन। जी हाँ, आगमनात्मक है, विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड, आगमनात्मक है यह सकमैन का परीक्षा मॉडल, इसी थियरी पर आधारित है आपका ये विकल्प नंबर। जी हाँ, आगमन का कहने का मतलब फ्रेंड जिसमें क्या आता है कि पहले एग्जाम्पल देने के तत्पश्चात नियम तक पहुंचा जाता है, उसी मॉडल पर आधारित है आपका। जो सकमैन एक आपके साइंटिस्ट मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एक परीक्षा मॉडल प्रस्तुत किया था जो हूबहू आगमन तर्क के ऊपर डिपेंड करता था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति पर, सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है, यह कथन किसका है? थोड़ा सा घुमावदार कथन है, क्या बिंघम ने कहा है, क्या अरस्तु ने, क्या क्रीमैन ने, क्या वाटसन ने? थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है फ्रेंड, कह रहे कोई व्यक्ति क्रोध करता है यदि यह बहुत आसान है, किंतु वह सही व्यक्ति के सही मात्रा में, सही समय पर या सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना यह आसान नहीं है। ऐसा कहना है फ्रेंड, ऐसा कहना है आपके अरस्तु जी का। जी हाँ, अरस्तु, जिनको जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। जी हाँ फ्रेंड, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है इनको, जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। इनका ही कहना था कि क्रोध करना तो आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही समय पर सही मात्रा में करना यह आसान नहीं है। इसीलिए विकल्प नंबर बीस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए फ्रेंड, संवेगात्मक बुद्धि। जी हाँ फ्रेंड, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? विकल्प नंबर कौन सा सही है? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएंगे, तभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे कि कौन सा विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप सभी लोग, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? चलिए, कंफ्यूज है क्यों भाई, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग कंफ्यूज क्यों हैं? अरे भाई, संवेगात्मक बुद्धि की बात करते हैं डेनियल गोलमैन। इनका कहना है कि एक व्यक्ति में संवेगात्मक बुद्धि का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल होता है, बिना इसके
कोई भी व्यक्ति समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएगा। जी हाँ फ्रेंड, जब पर भी जहाँ पर भी बुद्धि की बात होती है वहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि की चर्चा अवश्य होती है। तो डेनियल गोलमैन की चर्चा न हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने ही संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन का थियरी इन्होंने दिया है। इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव और तूफान की एवं झंझावट की अवस्था है। जी हाँ फ्रेंड, लो अभी इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने इसको जिक्र किया है और ये आ गया है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव एवं झंझावट की अवस्था है। या कथन किसका है? जर्टिल्ड का है, किलपैट्रिक का, स्नेने हाल का है, या हेड ऑफ कमेटी रिपोर्ट का है? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर कमेंट कर बताए फ्रेंड। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है, बस आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जवाब लिख दीजिए। बिल्कुल आप सभी के जवाब सही हैं भैया, स्टेनले हाल इज द राइट आंसर। इन्होंने कहा है कि एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रगल, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। किलपैट्रिक ने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कहा है किलपैट्रिक ने। जर्सिल्ड जी हाँ, जर्सिल्ड का कहना है, जर्सिल्ड ने संवेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न, एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, जिसका जो कुछ इस प्रकार से है कि विभिन्न प्रकार के आवेश आने तथा बढ़क उठने की दशा को संवेग कहा है, जर्सिल्ड ने कहा है। तो इनके बारे में आप लोग जानते रहिएगा, हल्का ताड़िया रखिएगा। विकल्प नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। करीब करीब काफ़ी सारे साथियों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट किया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, अंतिम क्वेश्चन है हमारी सीरीज का, कि किशोर प्रणों को मार्ग में बाधा समझाता है उसे अपनी स्वतंत्रता लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह कथन किसका है? रास का, कॉल्सेनिक का, वैलेंटाइन का, या बिग एंड हट का? पढ़ा जो बताया फ्रेंड, किशोर प्रणों को मार्ग में बाधा उत्पन्न करता, बाधा समझते हैं और उन्हें अपनी स्वतंत्रता लक्ष्य प्राप्त करने में से रोकते हैं, यह कथन किसका है? कहने का मतलब फ्रेंड कि जो किशोरावस्था के बालक होते हैं वह अपने से उम्र में बड़े व्यक्ति को अपने मार्ग का बाधा समझते हैं और वह उन्हें अपनी स्वतंत्रता में तथा लक्ष्य प्राप्त करने में रोकने का जैसा बाधा जैसा महसूस करते हैं, यह कथन को किसने कहा? रास, कॉल्सेनिक, वैलेंटाइन, विगनहट? बी बी ए ए, फटाफट आंसर कमेंट करिए भाई। ए भी आ गया आंसर, जल्दी से हमारे सीरीज का यह अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड। लगभग जितने भी साथी हैं जल्दी जल्दी आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। और ये फ्रेंड क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको निश्चित तौर पर आप सभी लोग एक से दो बार जरूर देखिए। और जिसको आप चाहते हैं, जिससे आप पसंद करते हैं, जिसको जो भी आपका साथी हो, जो भी आपका मित्र, जो भी इसका भाई बंधु हो, सभी साथियों से वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आगामी जितनी भी परीक्षाएँ होने वाली हैं, चाहे यूपी टेट है, चाहे आप अगर रीट के अभ्यर्थी हैं, चाहे एमपी टेट है, चाहे आपका जो भी सुपर टेट है, आपका प्राथमिक का कुछ भी परीक्षाएं होने वाली है, उन सभी के लिए क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। बात करते हैं इस क्वेश्चन का, तो विकल्प नंबर बीस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, कॉल सैनिक इज द राइट आंसर। कॉल सैनिक का यह कथन है, इसलिए फ्रेंड विकल्प नंबर बीस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जुड़े रहिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ।